C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अच्छा ये बता, तेरी होने वाली बहू वो है ना वो रेड आउटफिट में? आ गया फ्री का खाना खाने। स्टार्ट करो। सुना मैंने तूने क्या कहा? तुझे सुनाने के लिए ही बोला मैंने। आज की रात बहुत धमाकेदार होने वाली है, या तो इस पा या उस पा। मोनिशा की सगाई करण के साथ? चलो फिर, एवरीवन्स रेडी, शुरू करते हैं। ओ हेलो, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। हम ना अंताक्षरी भी क्रिकेट की तरह खेलते हैं। माइंड ब्लोइंग की तरह। तो फिर लेट्स स्टार्ट द गेम। गेम नहीं, जंग। और जीतेंगे हम। अभी तुम जाओ अंदर और सब लोगों को ज्वाइन करो, इससे पहले कि तुम्हें और मुझे हम दोनों को यहाँ पर कोई एक साथ देख ले और शक हो जाए। प्लीज गो। सरप्राइज। मैं तो तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा जो ये विश्वास है ना मुझे प्रीता, यही मुझे हिम्मत देता है, यही मुझे मजबूत बनाता है। फिर चाहे मुझ पर कितने भी इल्जाम क्यों ना लगे हो, तुम मेरे साथ हो ना। जल्द से जल्द मोनिशा को इस कमरे में लाना है। आज की रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रात कई राज से पर्दा उठेगा। पहला, मोनिशा के झूठ से पर्दा उठेगा और दूसरा, दूसरा फैमिली के दुश्मन का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो मोनिशा कबूल करो ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें ये रिंग दी है? है मेरा बॉयफ्रेंड। ये जो रिंग है ना, कि मेरी एंगेजमेंट रिंग है। एक मिनट, बस मैं आ रही हूँ। पृथ्वी जी, शर्लिन। यहाँ पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ गायब हो गया और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रही है। इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मोनिशा को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी? तुम अब बताओ कि सच क्या है। कोर्ट में कुछ भी? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत टूटने की कोशिश कर। I don't believe you. वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी, किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी दर्द से मरे जा रही है और तू इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है। और तू निकल जा यहाँ से। अरे मेरी बेटी का पैर तोड़ दिया तूने। जा। और सुनो, ये मत सोचना कि मैं बदल गई, स्पेशली तुम्हारे लिए। अब तक मैं वही करीना मैम हूँ, समझ गई? और मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझ के किया है ना। नहीं करना मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। हम संभालेंगे दीदी। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे जो मैंने इस लड़की को ट्रस्ट किया और अपने पैर उसके हाथ में दे दिए। ये लड़की तो इस मोनिशा से भी ज्यादा खतरनाक है अपने घर के लिए। एक काम कर, सरसों के तेल में हल्दी डाल के ला, मैं मालिश कर दूंगी, एक मिनट में ठीक हो जाएगी। जब ठीक है मम्मी जी।
बहन तुम चिंता मत करो, सीख भाई आप प्लीज मुझसे बात मत करो, प्लीज सपोर्ट करता रहता भाई, प्लीज जाओ। अच्छा यार मैं की कितना मतलब मेरे को क्यों डांट रहे हो? करण सर क्या नक्शा बिगाड़ा है आपने पृथ्वी का, मजा आ गया, I'm so proud of you। काश ऐसे ही होता। मतलब आपने नक्शा नहीं बिगाड़ा, मोनिशा ने बिगाड़ा। मोनिशा पर कैसे? तू बता इसे, रास्ता ने फेस पैक, मैं जरा उस बंदर को देख कर आता हूँ। करण सर, अरे बताएगा तुम्हें, मुझे जरा देख कर आता हूँ। सैमी मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारे लिए प्रीता दी ही है ना? मतलब? नहीं मतलब तुम्हारे दोनों भाइयों से मुझे मिक्स वाली फीलिंग आती है कभी कभी, नहीं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसी वाली फीलिंग, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं समझो ना यार। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, उस चुड़ैल ने उस मोनिशा ने इस अंगूर को लंगूर कैसे बना दिया? वो मोनिशा ने ना ड्रिंक करी हुई थी और हाँ फिर और शाना तो बाद में बताता हूँ। एक मिनट, बाद में क्यों, अभी बताओ ना यार। बोला ना सिस्टी बाद में बताता हूँ। अरे अभी बताने में क्या प्रॉब्लम है? सिस्टी बाद में बताता हूँ, बोला ना। अभी जानना है मुझे। ए, रुको। कौन था जो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा था? साथ आना मैंने अपनी औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। दिशा आ गई। दिशा रन, भागो यहां से। तुम जीजू यहां आओ। क्या बोल रही हो तुम? तुम दोनों तैयार नहीं हो? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए जल्दी चलिए। अरे शादी का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मेरा मतलब है कि कुत्तों से बचने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? अरे एक तीर दो निशाने, तुम समझ रही हो कि नहीं? ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात पीला। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है, कल्याणी। मेरा रिश्ता? पूर्ण विराम। हमारे आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच, जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या टोटका किया है तुलिका ने, क्या है सिद्ध फल का राज? क्या मीना उसे झेल पाएगी या तुलिका की जादू शक्तियां जीत जाएंगी? जानने के लिए कल देखिए। मीरा, मैं तुझे क्या पुछ की ब्यूटी के चंगुल से निकलकर सवार पाएगी अपना नया कल, या फिर सोना गाची की होगी उससे नए कल की शुरुआत? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे कि हम सिर्फ कहते हैं या सचमुच कभी इसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब निशा, बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी?